जाने एक गाय कैसे दूर कर देती है आपके जीवन की मुसीबतें। नवग्रहों की शांति के संदर्भ में गाय की विशेष भूमिका होती है। कहा तो यह भी जाता है कि गोदान से ही सभी अरिष्ट कट जाते हैं। शनि की दशा, अंतरदशा और साढ़े साती के समय काली गाय का दान मनुष्य को कष्ट मुक्त कर देता है। कहते हैं सब कुछ पाना है तो केवल गाय की पूजा कर ले, किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक जन की सांस लेती है वहाँ वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उस देवी देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करने की हर संभव चेष्टा कीजिए। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू या कोई भी विषधर जंतु नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और उसको कंडे को जलने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के गोबर से बने उपलों का रोजाना घर दुकान मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नियमित उनमें अग्नि प्रज्वलित कर गौ घी से हवन करने से समृद्धि बढ़ती है और समस्या संकट का नाश होता है। गौ माता के एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गाय इस धरती पर साक्षात देवता है। गौ माता अन्नपूर्णा देवी है, कामधेनु है और समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नजर हो जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य के तू नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता धर्म की धुरी है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी परिक्रमा मात्र से ही सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। गौ माता सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी है। गौ माता के बिना देवों वेदों की पूजा अधूरी है।